होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूल कर दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुबी में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो आप सभी को होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि होली के दिन हमें कौन सी ऐसी 5 गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। होली तो मनानी ही है, खुशियों का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, प्रेम से हमें होली मनानी है। सभी के साथ प्रेम पूर्वक बात करनी है, व्यवहार करनी है, टेंशन फ्री रहनी है। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो 5 गलतियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि होली इस साल 2022 में 2 तिथियों पर लोग मना रहे हैं, 2 दिन मना रहे हैं। होलिका दहन तो 17 मार्च को लोग कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे जगहों पर, कई ऐसे गांवों में कहीं लोग 18 को मना रहे हैं, कहीं लोग 19 को मना रहे हैं। तो आप अपने तरीके से मना लीजिएगा। पूजा जो है, हमें जिस दिन आपके आस पड़ोस हो रहा है उस दिन अपना होली खेल लीजिए, लेकिन पूजा जो है, अगर आपको जिस तिथि पर होली मनानी है उस दिन आप भगवान की पूजा अर्चना कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो नियम है, जो हमें गलती नहीं करनी है, वो क्या है कि देखिए, होली के दिन लहसुन प्याज, ऐसे तो सबके घर में बनता है लहसुन प्याज वाले भोजन, छोला, बहुत कई प्रकार की सब्जियां, लोग अधिकतर कटहल की सब्जी बनाते हैं, जैक फ्रूट की लोगों को बहुत अधिक पसंद आता है, पुए के साथ, मालपुए के साथ, तो बहुत सारी डिशेज तो बनते ही हैं घर में, तो उसमें लहसुन प्याज लोग डालते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं नहीं भी डालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखनी है कि लहसुन प्याज वाली चीज़ें, मतलब डिशेज बनाने से पहले आप पुआ जो है, भगवान को सबसे पहले पुआ और बड़ा बनाकर हटा लीजिए। पूरा मत बनाइए, 2-4 ही भगवान के लिए बस बना लीजिए, 2-4 पुआ, 2-4 दही बड़ा। दही बड़ा अगर दही में नहीं भी भिगाते हैं तो सूखा ही बड़ा 2-4 बना के भगवान के लिए साइड कर लीजिए। उसके बाद आप अपने किचन में, रसोई घर में लहसुन प्याज या कुछ और भी चीज़ें जो आपको पसंद है आप बना सकती हैं, लेकिन भगवान के लिए सबसे पहले बनाकर एक साइड में रख दीजिए और आप भोग लगा लीजिए। सबसे पहले भोग लगा लीजिए। भोग लगाते समय आप भगवान को गुलाल लगा दीजिएगा, आरती कर दीजिएगा। देखिए, कलश स्थापना अगर आपके यहाँ होता है, आप लोग पूछते भी हैं, तो आप कर लीजिए, लेकिन हम लोग होली के दिन कलश स्थापना नहीं करते हैं, बस ऐसे ही नॉर्मल भगवान को पूजा करते हैं, भोग चढ़ा देते हैं, भोग स्वरूप में पुआ और दही बड़ा, ठीक है, सूखा बड़ा चढ़ाते हैं, दही बड़ा नहीं, सूखा बड़ा, क्योंकि दही बड़ा बनाने के लिए, दही वगैरह बनाने में थोड़ा सा समय लग जाता है, तो इसलिए सूखा बड़ा ही भगवान को हम चढ़ा देते हैं। और गुलाल से उनको तिलक लगाइए, चरणों पे लगाइए, और आप चाहें तो भगवान माता रानी के ऊपर से गुलाल लेकर अपने मांग में या अपने सिर के ऊपर टीका, अपने ललाट पर आप लोग कर सकती हैं, जो ही महिलाएँ हैं। आप चाहें तो पुरुष से भी उस दिन भोग लगवा सकती हैं, बहुत अधिक सही माना जाता है, मतलब कोई भी लगा सकता है, लेकिन भगवान को पक्का भोग लगाइएगा। ऐसा नहीं कि हम जो है 56 प्रकार के खा रहे हैं और भगवान को एक प्रकार का भी नहीं खिलाएं। जो प्रतिदिन जो ही मिश्री बतासे का भोग लगाते हैं, वही उस दिन भी बरिस का दिन कहा जाता है, वर्ष का बहुत ही पावन और पवित्र दिन है होली का दिन, तो उस दिन भगवान को हम वही सब फिर खिला दे तो सही नहीं है, पक्का
भोग इस प्रकार से आपको लगानी है। दूसरी गलती क्या है कि देखिए होली के दिन मैं आपको बता चुकी हूँ कि देखिए होली के दिन ऐसा माना जाता है ना कि एक दिन जो होलिका दहन होता है तो उसके अगले दिन जो है ना हमारा घर अशुद्ध माना जाता है। सम्हत जलना उसको बोलते हैं, जो मोटे शब्दों में मैं आपको बता दूँ सम्हत जलना। तो सम्हत जलाने के बाद क्या होता है कि घर अशुद्ध माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता। तो पूरे घर के एक एक कोना को साफ कर दिया जाता है, दरवाजे पर पानी का छिड़काव कर दीजिए, अगर फ्लैट में नहीं रहती हैं तो अपने सीढ़ी पर थोड़ा सा एक बाल्टी पानी वगैरह गिरा दीजिए, दरवाजे के सामने झाड़ू वगैरह लगा दीजिए। जो ही पुरुष हैं महिलाएं हैं जो ही लगाती हैं वो तो करनी ही है। और साथ में आपको ऐसा दिमाग में नहीं रखनी है, एक गलती नहीं करनी है कि चलो रंग तो खेलना है। कई आदमी के दिमाग में ये भी आता है ना, कई महिलाएं हैं कि अभी तो रंग खेलने जाना है तो नहा के क्या होगा, स्नान बाद में करेंगे, पहले घर के कार्य कर लेती हूँ, रंग खेल लेती हूँ, उसके बाद स्नान करेंगे। तो नहीं, आपको स्नान करके जो ही सिंपल सा स्नान कर लीजिए, बहुत सारा शैम्पू साबुन कुछ ना लगाएं, आप ऐसे नॉर्मल स्नान करके तभी आप भोजन बनाइए। और भगवान के लिए अगर बना रहे हैं तो पक्का बिना स्नान किए उस दिन मत बनाइएगा, जितना भी लेट हो जाए स्नान करके ही आपको रसोई घर में जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम कि आपको ध्यान रखनी है। तीसरी चीज़ क्या है जो आपको ध्यान रखनी है होली के दिन, कि पानी का बहुत अधिक वेस्टेज मत कीजिए। हम ही पानी बचाएंगे ना तो ज़रूर बचेगा पानी। देखिए ऐसा नहीं है कि बाल्टी का बाल्टी हम रंग घोल के और फेंक रहे हैं इधर से उधर, वेस्ट कर रहे हैं। बच्चे थोड़ा बहुत खेलते हैं चलेगा, लेकिन बड़ों को थोड़ा सा बचा कर पानी खर्च करनी चाहिए। फूलों वाली होली खेल लीजिए या गुलाल अबीर वाली होली भी आप खेल सकते हैं, लेकिन पानी वाली खेलिए, लेकिन लिमिट में, बहुत अधिक पानी का वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। तो ये हो गई हमारी तीसरी भूल और तीसरी गलती। चौथी बात क्या है आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है कि आपके पति प्रदेश में हो या देश में हो या बॉर्डर पे हो या कहीं हो, होली के दिन ज़रूर उनको प्रणाम कीजिए। अगर घर में है तो गुलाल मतलब उनको लगाकर पैरों पर रख के भी आप प्रणाम कर सकती हैं। बहुत अधिक देखिए ये जो त्यौहार है ना, मतलब सुहागिन महिलाओं के लिए और लड़कियां बच्चे ऐसे तो सभी खेलते हैं, लेकिन सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ त्यौहार इसको माना जाता है होली का त्यौहार। देखिए सभी जो दुर्भाग्यवश जिनके पति नहीं है वो उनको तो गुलाल भी मतलब वो लोग नहीं लगाते हैं, बड़ा दुख होता है देखकर। तो इसलिए गुलाल वगैरह आराम से लगवा लीजिए, जो ही लगाता है गुस्सा मत कीजिए। मैं जो कि बता चुकी हूँ टेंशन नहीं लेनी है, आराम से गालों में कोई लगाने आता है तो अपने गाल को दे दीजिए। देखिए मेरे ऊपर ऐसे ही लोग लगा चुके हैं, पहले से ही होली का उत्सव चल रहा था हमारे सोसाइटी में तो लोग लगा दिए हैं। कोई बात नहीं, एकदम खुशियों से होली का त्यौहार मनाइए और लगवा लीजिए, ठीक है। और पति को प्रणाम जरूर होली के दिन कर लीजिएगा, और जो ही बड़े हैं आपके घर में उनके पैरों पर गुलाल रख के, सुबह अगर नहीं कर पाती हैं तो शाम को गुलाल के समय जब हम खेलते हैं गुलाल और अबीर, उस समय सभी बड़ों के चरण पर गुलाल चढ़ा के मतलब रख के और प्रणाम कर लेनी चाहिए। देखिए आप लोग कहते हैं कि कैसे करें क्या करें, जिसका जो व्यवहार है उनके ऊपर छोड़ दीजिए। हमारा जो कर्तव्य है, जो मतलब हमारे लिए सही है, हम वही करेंगे। कौन हमारे साथ क्या कर रहा है हमें वो नहीं देखनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। और जो हमारा आखिरी और पांचवा नियम है वो क्या है कि बाहर जब कभी भी आप जा रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो क्या है कि बहुत सारा ज्वेलरी पहन के, देखिए मैं एक बार बता चुकी हूँ फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान दिला दे रही हूँ, क्योंकि जो बहू हैं, बहू को बाहर लोग नहीं जाने देते, गाँव में बहुएँ जो हैं सज संवर सकती हैं, अपना जो ही ज्वेलरी है गहना है आराम से टीका नथिया हार सब पहन सकती हैं, लेकिन जो बाहर जाती हैं जो ही महिलाएं, वो उस दिन बहुत अधिक गहना और ज्वेलरी ना पहने, बाहर जाने में रिस्क है। पहनकर शाम को हम घूमते हैं और होली के दिन ऐसे हर प्रकार के लोग रोड पर घूमते हैं, तो थोड़ा सा बचकर जाइए, बहुत अधिक गहना पहनकर बाहर ना जाए, आर्टिफिशियल वगैरह डाल लें। लेकिन अगर घर में रहनी है तो अपना सब कुछ पहन सकते हैं, बाहर जा रहे हैं तो मंगलसूत्र भी आपको उतार कर जानी चाहिए, युग जमाना बहुत ख़राब है। यही सब हमारे पाँच नियम थे, इसमें कुछ भूल थे जो आपको नहीं करनी है। तो यही तक का था हमारा वीडियो, आशा करती हूँ उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए और प्रेम से और प्यार के साथ मनाइए होली का त्यौहार।